Hello everyone, welcome to Deep Gagan Diaries. My name is Dipali and in today's video I am going to share this particular makeup look with you guys. So if you like the video, do a thumbs up, comment down below and subscribe to my YouTube channel Deep Gagan Diaries. So let's start the video. So I have washed my face and now it's all clean. तो फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ बायोटीक के मॉइस्चराइजर से. सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, यू कैन चेक ओवर देयर. तो मैं यहाँ एक थोड़ा सा अच्छा अमाउंट ले रही हूँ बिकॉज माई स्किन इज़ अ लिटिल बिट ड्राई. तो यहाँ पर मैं अच्छे से अपने फेस पर मसाज करते हुए मॉइस्चराइज कर लूँगी इसको. मॉइस्चराइजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप, तो इसको आप स्किप ना करें. अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्राइमर. तो मैं यहाँ पर इसके सारे डॉट अपने फेस पर इस तरीके से लगा लूँगी और अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी अपने फेस पे. इससे हमारा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है. यहाँ मैं मैक का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जिसकी मैं 2 ड्रॉप्स ले रही हूँ. 2 ड्रॉप्स फाउंडेशन की मोर देन सफिशिएंट होती है, तो आप पहले जब यूज़ करें तो थोड़ा सा कम ही यूज़ करें. अगर आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत लगती है तो आप उसको बाद में ले सकते हैं, लेकिन एक ही बारी में ज़्यादा अमाउंट लेने से बहुत ज़्यादा केकी लगता है आपका फाउंडेशन. तो आप इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने पूरे फेस पर इसको स्प्रेड कर लें. और याद रखें फेस के साथ साथ आपको अपनी नेक पर भी इसको लगा लेना है. यहाँ मैं एक डाम ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरीके से यहाँ पर टैप टैप मोशन में अच्छे से अपने फाउंडेशन को स्प्रेड कर लूँगी. डैम ब्यूटी ब्लेंडर का मतलब है कि मैंने इसको पानी में अच्छे से भिगो लिया था और पानी में भिगोने के बाद मैंने इसका पानी सारा स्क्वीज़ करके निकाल लिया है. तो ये गीला है लेकिन इतना भी गीला नहीं है कि आपको उसका वाटर जो है वो अपने फेस पर लगे. तो इस तरीके से अगर आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको स्प्रेड करते हैं तो वो बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है और बहुत क्लीन लगता है. मेकअप करते हुए हमारा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो आप यहाँ पर जब भी फाउंडेशन को या किसी भी चीज़ को ब्लेंड आउट करें तो पेशेंस के साथ करें, क्योंकि पेशेंस यहाँ पर होने बहुत ज़रूरी हैं. जल्दबाजी में अगर आप इसको ब्लेंड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ड्रामेटिक लग सकता है या केकी लग सकता है. तो बी पेशेंट वाइल डूइंग दिस. नाउ आई एम यूजिंग दिस व्हील ऑफ इनसाइट. लाइक दिस व्हील ऑफ इनसाइट हैव सो मेनी थिंग्स इन इट. कलर करेक्टर इज़ देयर, कंसीलर इज़ देयर, ब्राउन्जर इज़ देयर. तो मैं यहाँ पर कंसीलर ले रही हूँ और जो मेरे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर मैं इसको हल्का सा अप्लाई कर लूँगी अपने फिंगर की हेल्प से ही. डार्क स्पॉट्स के साथ साथ मैं इसको अंडर आई और अपर आई पर भी लगा लूँगी अपने फिंगर्स की हेल्प से ही. कंसीलर को एक बार अच्छे से लगाने के बाद मैं इसको उसी सेम डार्क ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड कर लूँगी. बट कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने जहाँ पर कंसीलर को अप्लाई किया है आप उसको सिर्फ वहीं पर टैप करें, पूरे फेस पर इसको ना फैलाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका पूरा फेस कंसील हो जाएगा. लेकिन आपको अपने सिर्फ डार्क स्पॉट्स को ही कंसील करना है तो आप उसको सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया पे ही टैप करें. अच्छे से इसको टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब जो डार्क स्पॉट्स हैं वो पहले से बहुत कम दिखाई दे रहे हैं. सो आफ्टर कंसीलर हेयर आई एम यूजिंग द मैक कॉम्पैक्ट. आप इसकी जगह पर अगर आपके पास लूज पाउडर है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये डे टू डे मेकअप है जो कि न्यूली ब्राइड्स अपने डे टू डे लाइफ में कर सकती हैं. सो आई प्रेफर हेयर टू यूज़ द कॉम्पैक्ट वन. तो यहाँ मैं जहाँ पर भी मैंने अपने कंसीलर को लगाया था उस पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेकर ब्रश पे उसको अप्लाई कर रही हूँ. पहले कॉम्पैक्ट को आप सिर्फ उसी एरियाज़ पे लगाएं जहाँ पर आपने कंसीलर को यूज़ किया है. उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर आपको अपने पूरे फेस पर उसको अच्छे से लगा लेना है. यहाँ कंसील वाली जगह पर लगाने के बाद मैंने हल्का सा ही पाउडर लिया है जिसको मैं इस तरीके से पूरे फेस पर लगा रही हूँ. बार बार आपको प्रोडक्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ मैंने अच्छे से कॉम्पैक्ट को अपने फेस पर लगा लिया है एंड यू कैन ऑलरेडी सी द डिफरेंस. नाउ आई एम यूजिंग द NY का लिपस्टिक. इसको मैं लिपस्टिक की तरह नहीं, इसको मैं यहाँ पर एज अ ब्लशर यूज़ कर रही हूँ. मुझे इस लिपस्टिक को एज अ ब्लशर यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है. लाइक बहुत अच्छा एक नेचुरल इफेक्ट देती है ये लिपस्टिक और इसको बहुत ज़्यादा ईजी है लगाना. तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अपने चीक्स पर और नोज़ एंड चिन एरिया पर हल्का सा अप्लाई कर लिया है एंड उसी सेम डार्क ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी टू गिव अ नेचुरल इफेक्ट. सो जैसे कि न्यूली ब्राइड्स को बहुत सारे लोगों से मिलना होता है तो वी शुड लुक लाइक प्रेजेंटेबल,
और आपको बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं करना बिकॉज इट्स समर टाइम और मेकअप करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है. सो बाय दीज पर्टिकुलर स्टेप्स यू कैन जस्ट अचीव द डिजायर्ड लाइक मेकअप गोल्स एंड आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. तो इसके बाद अब हम आई लुक करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है. सो हेयर आई एम यूजिंग द वेट एंड वाइल्ड का पैलेट. मुझे वेट एंड वाइल्ड एंड स्विस ब्यूटी के पैलेट्स लाइक आई पैलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. सो हेयर आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर शेड एंड मैं इसको ब्रश पर हल्का सा लेने के बाद इसको हल्का सा टैप कर रही हूँ ताकि जो एक्सेस है वो निकल जाए और मैं इसको अपने क्रीज एरिया और बाकी के आई पार्ट पे भी अच्छे से लगा लूँगी जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा. जो फर्स्ट कलर मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कलर है जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूली ब्राइड ऑल्सो. अगर आप ब्राइड नहीं भी हैं और आपको एक हल्का सा टच देना है अपने फेस पे तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप इसके अलावा कोई भी आई शेडो इस पर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. यू कैन जस्ट अप्लाई आई लाइनर ऑन इट एंड यू आर जस्ट रेडी टू गो. आपको आई शेडो को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि ये बहुत अच्छा एक कलर दे आपके आईज़ को. सो नाउ आई एम यूजिंग अनदर कलर ओवर हेयर जो कि पर्पल शेड में है जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा कम लिया है ताकि वो एक इफ़ेक्ट दे बट वो बहुत ज़्यादा ऐसे पर्पल लगे नहीं. तो कम अमाउंट में लेके मैं इसको अच्छे से टैप कर रही हूँ एक्सेस ताकि इसमें से निकल जाए जो पाउडर है. अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फर्स्ट वाले आई शेडो के साथ. जैसे कि मैंने आईज़ पे अच्छे से इसको लगा लिया है अब मैं इन दोनों कलर्स को हल्का सा मिक्स करके अपने अंडर आई पर भी लगा लूँगी टू गिव दैट टच. यहाँ मैं अंडर आई पे भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सो अगर आप इसके साथ आईलाइनर ही लगाएंगे और काजल नहीं भी लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा. सो आफ्टर ब्लेंडिंग इट नाइसली मैंने यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश ले लिया है. फ्लैट ब्रश से जब आप ग्लिटर्स लगाते हो तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. सो हेयर आई एम यूजिंग द मेकअप फिक्सर और मैं इस ब्रश पर हल्का सा इसको स्प्रे कर लूँगी. स्प्रे करने से क्या होगा कि ये मेरे आँखों पर बहुत अच्छे से चिपका रहेगा और वो ज़्यादा केकी नहीं लगेगा. सो स्प्रे करने के बाद मैं यहाँ पर इसका एक ग्लिटर गोल्डन आई शेडो ले रही हूँ जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ. आप देख सकते हो मैंने जो गोल्डन कलर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लिया है जस्ट उसको एक छोटे से अमाउंट में यूज़ कर रही हूँ मैं टू जस्ट गिव दैट अ न्यूली ब्राइट टच. जो ग्लिटर है उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने आई शेडोज़ के साथ ताकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल इफ़ेक्ट दे. आप याद रखें कि जब भी आप कोई ग्लिटर आई शेडो यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सिर्फ अपनी क्रीज लाइन पर लगाएं उससे वो बहुत ज़्यादा सटल इफेक्ट देता है. सो हेयर आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी वन आईब्रो. सो यहाँ पर मैं इसको पहले अच्छे से कॉम कर लूँगी. इसका जो स्पूली है वो कैप के साथ ही लगा हुआ आया था. सो आप इस तरीके की इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको स्पूली अलग से ना लेना पड़े. तो यहाँ मैंने इनको अच्छे से कॉम कर लिया है और मैं जिस साइड में हमारी हेयर की ग्रोथ है उसी साइड में अपने पेंसिल को अच्छे से लगा लूँगी. इसको मैं सिर्फ एक अच्छा शेप दे रही हूँ. इसको सिर्फ वहीं पे फिल आउट करें जहाँ पर आपको हेयर्स कम लगते हैं टू गिव अ नेचुरल इफ़ेक्ट. आप इसको बहुत ज़्यादा ना अप्लाई करें. यहाँ मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है टू गिव अ नेचुरल इफ़ेक्ट. आप इसकी जगह पर चाहें तो ब्लैक लगा सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे वो थोड़ा ड्रामेटिक लगता है तो मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ. आप जब भी आईब्रो फिल करें तो आप उसको ध्यान रखें कि आप बहुत हल्के हाथों से इसको फिल करें, ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आपका जो अमाउंट है वो ज़्यादा लग जाएगा और मेकअप करने के बाद जब आप आईब्रोज़ करते हो तो उसको हटाने में थोड़ा दिक्कत होती है. सो डू विद अ लाइट हैंड. आईब्रोज़ करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ जाता है हमारे मेकअप में एज़ यू कैन सी. सो हेयर आई एम यूजिंग द मेकअप फिक्सर ओवर हेयर. सो मेकअप फिक्सर लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी एक बार. हल्का सा ड्राई आउट होने के बाद मैं यहाँ उसी सेम डार्क ब्यूटी ब्लेंडर से हर एक चीज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. इस स्टेप को करने से जो हमारा मेकअप है वो बहुत ज़्यादा सटल लगता है, ड्रामेटिक नहीं लगता. सो आफ्टर ब्लेंडिंग आउट एवरीथिंग आई एम यूजिंग हेयर द लैक्मे आई लाइनर. सो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आईलाइनर्स को. आप चाहें तो कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं बट दिस वन अकॉर्डिंग टू मी मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ. जैसे कि हमारे आई शेडो में ऑलरेडी गोल्डन कलर है तो मैं इसको और ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाऊँगी.
जस्ट मैं एक सिंपल आईलाइनर लगा रही हूँ यहाँ पर, विंग्ड आईलाइनर मैं यहाँ प्रेफर नहीं करूँगी, उससे हमारी आईज जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड लगेंगी। इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग द विंग्ड आईलाइनर आई प्रेफर यूजिंग द काजल। सो यहाँ मैंने अच्छे से एक सिंपल आईलाइनर लगा लिया है, आप भी इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू अ विंग्ड आईलाइनर मेकअप ट्यूटोरियल ऑल्सो, सो जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। सो आई विल लेट द आईलाइनर ड्राई। सो आईलाइनर ड्राई होने के बाद मैं यहाँ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ विच इज़ ऑफ मैक। सो मस्कारा आपकी जो आई लैशेज हैं उसको ऑलरेडी इतना वॉल्यूम दे देता है कि आपको जब डे टू डे मेकअप करना है तो उस पर आपको फॉल्स लैशेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस मस्कारा इज़ जस्ट मैजिक, इट गिव्स सो मच वॉल्यूम टू योर आई लैशेज दैट आई एम इन जस्ट लव विद दिस मस्कारा एंड यू कैन सी। सो आफ्टर मस्कारा आई एम यूजिंग हेयर द लिप बाम बाय खादी नेचुरल्स, लाइक इट इज़ मैजिकल, लाइक सीरियसली मैजिकल, इट विल हाइड्रेट माई लिप्स सो वेल। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस आई विल अप्लाई द लिपस्टिक, बट बिफोर आई एम टेकिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑन माई लिप्स एंड आई विल जस्ट रब इट ऑन माई लिप्स सो दैट दे फील वेरी हाइड्रेट। सो आफ्टर अप्लाइंग द लिप बाम आई एम यूजिंग हेयर द इनसाइड कॉस्मेटिक लिपस्टिक विच यू हैव सीन इन माई अर्लियर वीडियो, इट्स इन द शेड 03, द नेम ऑफ द लिपस्टिक इज़ डिवाइन वाइन एंड आई एम जस्ट लविंग दिस लिपस्टिक। सो आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन माई लिप्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी एंड सटल मेकअप लुक किया है, बट ये लिपस्टिक यहाँ पर एकदम मैजिक क्रिएट करने वाली है क्योंकि इसका कलर इतना ज़्यादा ब्यूटिफुल है दैट इट विल जस्ट टेक दिस मेकअप लुक टू अनदर लेवल। आप जब भी कोई सटल मेकअप लुक करते हो और कोई डार्क कलर का लिपस्टिक लगा लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा एक अनदर लेवल पे ले जाता है पर्टिकुलर लुक को, जैसा कि इस मेकअप लुक में भी ऐसा ही होने वाला है। सो हेयर इट्स ऑल डन। सो एज इट लिक्विड लिपस्टिक तो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी। सो आफ्टर द लिपस्टिक गॉट ड्राई आई एम यूजिंग हेयर द हाईलाइटर बाय स्विस ब्यूटी। This palette is so affordable and so pigmented, like wow. So मैंने यहाँ पर ऐसा कोई भी highlighter brush नहीं लिया है, मैंने उसी same compact brush से अपना highlighter use किया है यहाँ। तो मैं यहाँ पर हल्का सा अपने cheek bones पे, nose पे and chin area पे हल्का सा highlighter apply करूँगी to just give it a little bit of that makeup touch. हाइलाइटर लगाने से वैसे ही बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है आपके फेस पे, लाइक इट जस्ट प्रोवाइड्स यू दैट ग्लो विच इज़ सो सो गुड। सो जो भी आपके हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं आप उस पर अपना हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक द आईब्रो कॉर्नर्स एंड द चीक बोन्स एंड द नोज, क्यूपिड बोन, लिटिल बिट ऑन द फॉरहेड। सो इट विल जस्ट गिव यू दैट ग्लो ऑन द फेस विच इज़ सो गुड टू सी, isn't it? Like पूरा change हो जाता है makeup look आपका एक highlighter लगाने से, and like I just love to apply bindis because it will change the entire face. आप अपने face के according बिंदी का size छोटा बड़ा कर सकते हैं। And now the bestest part of the makeup tutorial is this सिंदूर, like newly bright and सिंदूर का combination ही like wow होता है। So here I am applying a little bit of sindoor and wow, like I am just loving this particular makeup look and you can just do it on your regular basis also. So after doing everything at last I will apply the kajal. So if you want आप अपने inner corners पर भी लगा सकते हैं काजल को, जिस तरीके से आप लगाना चाहें उस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आप काजल नहीं भी लगाते हैं then also it will look perfect. So I am applying the kajal a little bit bolder. काजल को थोड़ा बोल्ड लगाने से जो आपकी आईज हैं वो थोड़ी छोटी दिखाई देती हैं। So if you want कि आपकी आईज अगर बड़ी हैं और आपको उनको थोड़ा सा छोटा लगाना है तो you can just use this trick कि आप थोड़ा सा बोल्ड काजल लगाएं and you can see the difference. My eyes look a little bit smaller than before. For accessories, I am just using these beautiful earrings and this beautiful dupatta. So you are just ready to slay.
आपको ऐसे स्टेटमेंट ईयरिंग्स के साथ और कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो यू कैन जस्ट वेयर दीज सॉर्ट ऑफ ईयरिंग्स एंड यू आर जस्ट रेडी मैन. Makeup look, do a thumbs up, comment down below, and subscribe to my YouTube channel, Deep Gagan Diaries. Thank you so much for watching.